नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब उत्तर प्रदेश राज्य के जिन किसानों का कर्जा 3 लाख रुपए तक का है और उन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए केसीसी लोन ले रखा है, उन सभी किसानों के बैंक खातों में सरकार जल्द ही 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भेजने वाली है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के उन किसानों का केसीसी लोन माफ किया जाएगा जिन किसानों का 31 मार्च 2021 से पहले किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए केसीसी लोन ले रखा है, उन सभी किसानों को बैंक खातों में सरकार जल्द ही 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भेजने वाली है। तो दोस्तों, किसान कर्ज माफी को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी पंजाब एवं राजस्थान सरकार की तरह केसीसी किसान धारकों को बड़ा तोहफा देने वाली है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के भी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। अभी वर्तमान में किसान कर्ज माफी को लेकर कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती क्योंकि अभी आचार संहिता लग रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। 24 जनवरी से केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई जा रही है जिसमें किसान कर्ज माफी को लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी की नई लिस्ट सूची जारी की जाएगी। इस किसान कर्ज माफी लिस्ट सूची में राज्य के जिन किसानों का नाम होगा उन्हीं किसानों के बैंक खातों में सरकार जल्द ही 2 लाख रुपए की केसीसी लोन भेजने वाली है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बड़ा अपडेट दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के सभी किसानों का केसीसी लोन माफ किया जाएगा। जिन किसानों की भूमि 5 एकड़ से कम है और उन किसानों ने 3 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए केसीसी लोन ले रखा है, उन सभी किसानों के बैंक खातों में सरकार 24 जनवरी को पहली किस्त की राशि भेजने वाली है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और भी कई योजनाएं निकाली गई है जिसमें किसानों के साथ साथ श्रमिक परिवारों के लिए भी श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत सरकार अगले 4 महीने तक 500-500 रुपए की श्रमिक भरण पोषण योजना की किस्त को भेज रही है, जिसमें पहली किस्त को सरकार ने 3 जनवरी को उनके बैंक खातों में भेज दी गई है। इसके साथ दूसरी किस्त की बात करें तो उत्तर प्रदेश की श्रमिक भरण पोषण योजना की दूसरी किस्त सरकार आने वाली 15 मार्च के लगभग उन किसानों के श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में भेजने वाली है। तो उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के साथ साथ श्रमिकों के लिए भी बहुत अच्छी योजनाएं लेकर आई है। इसके साथ साथ जो गरीब परिवार है उनको आवास की सुविधा दे रही है। जो परिवार सड़कों के किनारे झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं उन परिवारों के लिए सरकार ने आवास योजना की सुविधा दी गई है, जिसमें सरकार 6 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दे रही है, जिसमें 3 लाख रुपए तक का लोन बैंक से दिलवा रही है और 2,50,000 रुपए की आर्थिक सब्सिडी के रूप में उन परिवार को दे रही है ताकि उनको पक्के मकान की सुविधा मिल सके। तो रही बात किसान कर्ज माफी को लेकर, तो उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 31 मार्च 2021 से पहले जिन किसानों ने केसीसी लोन ले रखा है और वे किसान एनपीए यानी डिफॉल्टर किसान है, जिनको बैंक ने एनपीए के अंतर्गत शामिल कर दिया है, जो किसान एक बार केसीसी लोन लेने के बाद एक बार भी बैंक में जाकर ब्याज या कोई नगद राशि के रूप में कोई भी प्रकार की अमाउंट राशि जमा नहीं करवाई है, उन सभी किसानों के बैंक खातों में सरकार जल्द ही किसान कर्ज माफी को लेकर लाभ प्रदान करने वाली है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के सभी किसानों को इस योजना का जरूर लाभ दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए किसान भाइयों अभी तक आपको 24 जनवरी तक इंतजार करना होगा। 24 जनवरी जैसे आएगी तो सरकार किसान कर्ज माफी को नई लिस्ट जारी करने वाली है। इस लिस्ट सूची के बारे में भी अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे, लेकिन किसान भाइयों ये वीडियो तब पहुंचेगा आपके पास अगर आपने हमारे सरकारी योजना यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब का बटन यूट्यूब की ओर से इसलिए दिया गया है कि जैसे ही इस नए चैनल पर या कोई भी पुराने चैनल पर अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब एवं लाइक का बटन आप जरूर प्रेस कर लें ताकि नया वीडियो बनाया जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसे ही सरकार की ओर से यूपी किसान कर्ज माफी की लिस्ट जारी की जाएगी तो उसकी लिस्ट अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहे लगातार। जैसे ही कोई उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी से संबंधित कोई नया अपडेट आता है या राज्य सरकार कौन से किसानों का कर्जा माफ करती है, डिफॉल्टर किसानों का भी करेगी या अन्य जो बाकी जो किसान है जो समय पर भुगतान करती है केसीसी लोन को, उन किसानों को भी बेनिफिट दिया जाएगा या नहीं, इसके बारे में अगले वीडियो में ही पूरी जानकारी बताई जाएगी। क्योंकि फिलहाल सरकार की ओर से किसान कर्ज माफी को लेकर कोई भी नया अपडेट नहीं निकाले गए हैं। जैसे ही सरकार की ओर से कोई नया अपडेट मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन किसान भाइयों इससे पहले आप अपनी फसल बीमा नहीं करवाई है तो किसान अपनी नजदीकी सीएससी पोर्टल की दुकान पर जाकर या फिर जहां आपके नजदीक में बैंक शाखा है वहां से जाकर अपनी फसलों का बीमाकरण जरूर करवा लें, क्योंकि बीमा करवाने से अगर आपकी फसलों पर किसी प्राकृतिक आपदा या बाढ़ ओलावृष्टि या आदि के कारण फसलों का नुकसान होता है तो उस स्थिति में सरकार की ओर से आपको आर्थिक बेनिफिट दिया जाता है और ये बेनिफिट आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 रुपया दिया जाता है। अगर आपके पास 5 एकड़ की भूमि है तो फिर आपको 50 से 1 लाख रुपए तक का आर्थिक मुआवजा दिया जाता है। तो आप जरूर
अपनी फसलों का बीमाकरण करवाएं। और रही बात उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी को लेकर, तो 24 जनवरी तक आपको इंतजार करना होगा। जैसे ही सरकार की ओर से किसान कर्ज माफी के संबंधित कोई भी नई जानकारी मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों बताई गई जानकारी किसान कर्ज माफी से संबंधित या यूपी किसान कर्ज माफी या किसानों के हित के लिए कोई भी नई जानकारी हमने आपको बताई है तो उसकी जानकारी आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर होगी। फिर भी आपके कोई भी सवाल है, कंफ्यूजन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से पूरी जानकारी देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।